दोस्तों, ईद उल अज़हा का चांद नजर आ चुका है और ईद उल अज़हा में चंद ही रोज बाकी रह गए हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शहरों में मंडियां सजाई गई हैं जहां मुख्तलिफ इलाकों से जानवर लाए गए हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जिन्होंने हर किसी की तवज्जो अपनी जाने मरकूज कर रही है। उनकी कीमतें सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। बहुत से जानवरों की रिपोर्ट्स टीवी चैनल्स पर चल रही है और सोशल मीडिया पर भी वो काफी ज्यादा वायरल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग जब उसकी कीमत, वजन और जसामत को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं आता। पूछा जाता है कि आखिर इसे क्या खिलाया जाता है, तो मालिक की जानिब से भी एक लंबी फहरिस्त तैयार की गई है और बताया जाता है कि इस जानवर को ये खिलाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं बादशाह की, जिसकी कीमत 45 लाख रुपए बताई गई है और वो मंडी पहुंच चुका है। कराची सुपर हाईवे में एशिया की सबसे बड़ी मंडी सजाई जाती है जहां पर बादशाह को लाया गया है। इसकी कीमत के बारे में सुनकर हर कोई हैरान है कि 45 लाख में इसको किस तरह फरोख्त किया जाएगा। इसी तरह इसकी रंगत के बारे में बात करें तो इसको एक लिबास लाल रंग का पहनाया है जो इसने सेबतन किया है और मंडी में जब इसकी एंट्री हुई तो सब हैरान थे। इसे सिटी बलोचिस्तान से लाया गया है और मंडी का सबसे खूबसूरत जानवर इसे करार दिया जा रहा है। लेकिन बादशाह पर बात खत्म नहीं हो जाती, बल्कि मंडी में एक और जानवर भी मौजूद है जिसे अफ्रीदी कैटल में रखा गया है। इस जानवर का नाम सुल्तान बताया जाता है और इसकी रंगत जो है वो काले रंग की है। इसकी कीमत बादशाह के मुकाबले में काफी ज्यादा है। इसकी कीमत 85 लाख रुपए बताई गई है और इसके मालिक के बकौल इसे उसने फरोख्त भी कर दिया है और इसे 85 लाख में ही फरोख्त किया गया है। उसका वजन 57 मन बताया जाता है। उसके मालिक का कहना है कि इसको बहुत कुछ खिलाया पिलाया है और इसका वजन जो है वो काफी ज्यादा है और इसका कद भी काफी ऊंचा दिखाई देता है। इसके हवाले से इसकी नस्ल के बारे में जब पूछा गया तो उनका कहना था कि ये क्रॉस नस्ल का है। इसी तरह एक और साहिवाल का जानवर मंडी में मौजूद है जिसकी रंगत जो है वो हमें ब्राउन कलर का दिखाई देता है, यानी कि ब्राउन रंगत का एक जानवर है और उसकी कीमत 34 लाख रुपए डिमांड की जाती है। और बच्चों की तरह उसे वो कहता है मैंने पाला है और इसे कोई भी इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाए, खालिस खुराक खिलाई है। बहुत से लोगों का कहना है बादाम, दूध और इस तरह घी वगैरह बहुत कुछ खिलाया है, जिसके बाद अब इन्हें मंडी में लाकर फरोख्त किया गया है तो इतनी कीमत इनका बनती है। अब आपको बताते हैं मजीद जानवरों के बारे में भी और कुर्बानी के मकसद के बारे में भी, लेकिन उससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपको एक याद दहानी करवाना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। तो दोस्तों, ईद उल अज़हा करीब आ चुकी है और पूरी दुनिया सुन्नत इब्राहिमी की तैयारी के लिए जोरों शोर से जानवर की खरीदारी में मसरूफ है। लेकिन जब जानवरों की कीमतों के बारे में उन्हें मालूम होता है तो वो हैरान रह जाते हैं कि किस तरह से इसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हमने आपको बादशाह और सुल्तान की कीमतों के बारे में तो बता दिया, अब आते हैं मजीद जानवरों की तरफ। लेकिन उससे पहले बताएं कि कुर्बानी का मकसद क्या है। कुर्बानी का मकसद अल्लाह ताला की राह में अपनी सबसे कीमती चीज को कुर्बान करना था, लेकिन अब जब इंसान के पास माल और दौलत है, वो माल से मोहब्बत करता है तो उसे जानवर खरीद कर उसको ज़िबह करना पड़ता है। हजरत इब्राहिम का वाकया तो हम सभी लोग जानते हैं, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वो ज़िबह करने के लिए लेकर गए तो अल्लाह ताला ने उसको दुम्बे से तब्दील कर दिया और फिर ये सुन्नत इब्राहिमी हम सब पर फर्ज कर दी गई है। दोस्तों, कुर्बानी का मकसद तकवा भी है। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं कि आप उसकी नुमाइश करें। हम देखते हैं कि मीडिया चैनल्स पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स चलाई जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म की खबर नशर होती है कि फलां का बकरा इतना महंगा है, उसका वजन इतना है, जिसकी वजह से मालिक जो है वो फजूल खर्ची के लिए जानवर खरीदते हैं सिर्फ दिखावे के लिए। अब आपको बताएं कि एक बकरा जिसकी कीमत 36.5 करोड़ रुपए बताई गई, जिसके मालिक ने उसे खरीदा है, ये मालिक फखर से बताता है लेकिन ये फजूल खर्ची है और इस हवाले से उस पर काफी ज्यादा तनकीद भी की जा रही है। ये अजीब सी खबर जब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई तो हमने भी इस पर रिपोर्ट देखी। चंद रोज पहले की ये बात है जब एक खूबसूरत जानवर जो है वो सऊदी अरब में एक शहरी की तरफ से खरीदा गया और पूरी दुनिया में उसकी धूम हो गई कि एक सऊदी शहरी ने इतना महंगा कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा है। इस पर बहुत से लोगों ने तारीफ भी की और बहुत से लोग तनकीद भी करते हुए दिखाई दिए। सबको इस शहरी ने हैरत में डाल दिया था।
इस शख्स ने 36.5 करोड़ का ये जानवर खरीदा और इसे कुर्बान के लिए मंडी में लाया गया। ये नयाब नस्ल का जानवर है जिसे उसने 1.5 करोड़ रियाल में खरीदा है। दोस्तों इस हवाले से कहना है कि इसकी नस्ल बहुत नायाब है, इसका कद भी काफी ज्यादा है, रंगत भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है और वजन जो है वो मालूम होता है कि काफी ज्यादा है। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर यह बहस है कि मालिक ने इतना महंगा जानवर क्यों खरीदा, इतने ज्यादा पैसे इस पर क्यों खर्च किया, अगर यही पैसे कहीं और लगा दिए जाते बहुत से लोगों की मदद हो सकती थी। कुर्बानी का मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की या जो सुन्नत इब्राहिमी है उसको पूरा करना है, अल्लाह ताला की राह में अपने माल में से खर्च करना है। लेकिन फजूल खर्ची करने से भी दीन इस्लाम ने हमें रोका है, इससे दूसरों की भलाई भी की जा सकती थी। इस तरह की बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। दोस्तों बहुत से लोग बेरोजगार हैं, ये पैसा उन पर भी लगकर उनकी जिंदगियां भी तब्दील की जा सकती थी। सऊदी शहरी की जानिब से ये जो कुर्बानी 1.5 करोड़ रियाल में की गई है, इसे दुनिया की सबसे महंगी कुर्बानी अब तक करार दिया जा रहा है। हम यहाँ पर आपकी राय जानना चाहते हैं कि ये कुर्बानी क्या अल्लाह ताला से मोहब्बत का जज्बा है या सिर्फ नुमाइश करना है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय के बारे में हमें जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में जाकर। महंगा जानवर खरीदना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसकी नुमाइश करना वाकईतन बुरी बात है, वो आप लोगों को दिखावे के लिए ही करते हैं। अब हम बरसगीर की बात करते हैं, कीमतों के हवाले से आपको बताते हैं। तो दोस्तों 7वां नंबर जो आता है उसमें एक बकरा है जिसकी कीमत 3 लाख जो है उसका मालिक जो है वो तलब कर रहा था, लेकिन 1.5 करोड़ में उसको फरोख्त किया गया था। इसी तरह 6ठा जो एक जानवर है जिसे पिछली ईद में लाहौर में कुर्बान किया गया, इसकी बोली लगी और 2.25 लाख में उसको जो है फरोख्त कर दिया गया था। इसी तरह एक बकरा जो पत्तोकी का एक जानवर था जिसे फरोख्त किया, उसकी जिसामत को देखी जाए तो वो बहुत ज़बरदस्त है जो आप तस्वीर देख रहे होंगे, और इसको देखकर लगता है कि ये जो बकरा है ये बैल की तरह है और इसको उसके मालिक ने कहा कि अपनी औलाद की तरह पाला है, इसे दूध बादाम खिलाए हैं। और अगर इसकी कीमत की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके मालिक की तरफ से 4 से 5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे, लेकिन उस बकरे को 2,10,000 रुपए में फरोख्त किया गया। अब पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं जहां पहाड़ी बकरा जो कद के लिहाज से काफी ऊंचा होता है और उसकी कीमत भी काफी ज्यादा लगी। एक बकरा जिसकी तस्वीर आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको 2,50,000 में फरोख्त किया गया है। इसके कद को देखा जाए तो ये अपने मालिक से ऊपर भी दिखाई देता है और इस तस्वीर को देखकर ये अंदाजा हो रहा है कि इसका वजन भी काफी ज्यादा है। दोस्तों अब इसी तरह हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर जो बकरा हमें दिखाई देता है। इस बकरे के हवाले से इसका रंग सफेद है और काफी खूबसूरत जोड़ी ये दिखाई दे रही है जो 4,50,000 से जायद में फरोख्त हुई है और इसी का अंदाजा इसकी खूबसूरती से भी अच्छी तरह से लगाया जा सकता है कि ये कितना खूबसूरत है और इसे बहुत ज्यादा रकम में फरोख्त किया गया है। अब आपको सबसे महंगे बकरे के बारे में बताते हैं। इसकी कीमत इसकी मालिक की जानिब से जो मांगी गई वो 1.28 करोड़ थी और इसकी जिसामत काफी जबरदस्त है और इसे भारत में 2012 में फरोख्त किया गया। इस बकरे की खास बात यह है कि इसके ऊपर इसकी जिल्द पर लफ्ज अल्लाह लिखा हुआ है और ये राजस्थान इंडिया में इसको फरोख्त किया गया और वहां पर इसकी कुर्बानी हुई और इस्लाम भट्टी इसके मालिक का नाम था। इसके मालिक की जानिब से ये ऐलान किया गया कि आधे पैसे जो इसको फरोख्त करने पर मिलेंगे वो किसी यतीम खाने को दे देगा, जिसके बाद बहुत से लोगों ने इसकी बोलियां लगाना शुरू कर दी और इस बकरे को 1 करोड़ रुपए में फरोख्त कर दिया गया। दोस्तों कुर्बानी का असल मकसद जो है उसकी असल रूह को जानना है। असल रूह ये है कि हम उसे अपनी अमली जिंदगी पर लेकर आए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलें। हमें कुर्बानी अल्लाह के लिए करनी है, ना कि दुनिया के लिए। दुनिया को दिखाना बिल्कुल भी जायज नहीं है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें नुकसान होगा। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी भी कबूल करेंगे या नहीं इसके बारे में भी हमें मालूमात नहीं है। तो दोस्तों इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय और तजावीज हम तक जरूर पहुंचाइएगा और अपने जानवर के बारे में बताइएगा कि क्या आपने अपना जानवर अब तक खरीद लिया या नहीं और मार्केट में जो जानवर दिखाई दे रहे हैं उनके क्या हाल हवाल हैं और उनकी कीमतें किस तरह से हैं।
और आपने सबसे महंगा बकरा अब तक कौन सा देखा और उसकी कीमत क्या थी, क्या उसकी इतनी कीमत बनती भी थी या नहीं, और उसका मालिक उसे क्या खिलाने का दावा करता है। तो दोस्तों अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।